हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करना कितना सेफ होता है और कितना नहीं। वैसे तो कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आप अपने लैपटॉप पर घर के अंदर बैठे बैठे ही वेबकैम के जरिए अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा प्रयोग करने से क्या हो सकता है? आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो में। जी हाँ, अगर आप जरूरत से ज्यादा लैपटॉप या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करती हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल फोन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे गर्भ के अंदर पल रहे बच्चे पर काफी ज्यादा प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से उसके हलचल ज्यादा बढ़ जाती है। आपने कई बार सुना होगा मेरी ही वीडियो के दौरान कि मैं अक्सर कहती हूँ कि पुरुषों को लैपटॉप को अपनी गोद में लेकर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। आप चाहें तो उसे अपने स्टडी टेबल पर रखकर साइड में चेयर लगाकर फिर काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर पुरुष अपने गोद में रख के लैपटॉप से काम करते हैं तो उसके सीपीयू में जो फैन लगा होता है, उस फैन के अंदर काफी ज्यादा गर्मी होती है और जब भी वो हीट बाहर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसकी वजह से शुक्राणुओं की संख्या पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है और यही चीजें बांझ पर और नपुंसकता के कारण भी बन सकते हैं। इसीलिए ठीक उसी प्रकार से प्रेग्नेंट लेडी को भी ज्यादातर लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सिंपल सा फोन अपने साथ रख सकती हैं, जिससे आप कॉल रिसीव करें और काट सके। और अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन डिवाइस है तो आप उसे जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा फोन को हमेशा अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उससे कॉल उठाइए, रिसीव करिए और उसके बाद कट करके साइड में रख दीजिए। हमेशा मोबाइल फोन को अपने पॉकेट के अंदर या फिर अपने सिरहारे रखने की कोशिश ना करिए, क्योंकि इसके अंदर से किरणें निकलती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके दिल के लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ जब आप रात को सोएं तो अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर डालकर सोएं। ऐसा करने से उससे निकलने वाली किरणें काफी हद तक कम हो जाती हैं और उनका प्रभाव भी आपके शरीर पर नहीं पड़ पाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मोबाइल फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल कम से कम करिए, क्योंकि इसका प्रभाव आपके बच्चे पर पड़ सकता है और बच्चे के अंदर जन्म दोष की भी नौबत आ सकती है। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।